नमस्कार, आप सभी को 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। मैं योगाचार्य हेमलता शर्मा योगा असली योगा सोसाइटी से आप सभी का बहुत सारा अभिनंदन करती हूं। जैसे कि हम सभी को पता है, जो हमारे लक्ष्य है, थीम है, वो यह है व्यक्ति और समाज के लिए योग। जी हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि प्रति व्यक्ति यदि अपनी जिम्मेदारी समझ के योग को अपना ले, मुझे अपने आप को हमेशा स्वस्थ रखना है, शारीरिक रूप से भी, मानसिक रूप से भी, भावनात्मक रूप से भी, वैचारिक रूप से भी, पूरा सर्वांगीण विकास करते हुए मुझे अपने आप को स्वस्थ रखना है। यदि प्रति व्यक्ति ऐसी जिम्मेदारी उठा लेता है तो परिवार हमारा बड़ा सुदृढ़ हो जाएगा, स्वस्थ हो जाएगा, निरोगी हो जाएगा, समाज निरोगी हो जाएगा, राष्ट्र निरोगी हो जाएगा और पूरा विश्व निरोगी हो जाएगा। तो इस तरह से वसुदेव कुटुंबकम की भावना रखते हुए हम सभी के स्वास्थ्य के लिए मंगल कामना करते हुए सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुख भाग् भवेत्। सबके जीवन से दुख समाप्त हो जाए, योग को हमें अपनाना है। योग का मतलब केवल आसन करना नहीं है, अष्टांग योग। महर्षि पतंजलि के अनुसार जो हमारा ट्रेडिशनल योग है, जो हमारा परंपरागत योग है, उसे हमें अपनाना है। हमें शारीरिक रूप से भी सुदृढ़ होना है, मानसिक रूप से भी हमें सुदृढ़ होना है और हमें अपने जीवन के अंदर जितनी भी संभावनाएं हैं यदि उनको संभव आकार देना है तो हमें योग की शरण में जाना होगा। योग वो जड़ी बूटी है जो हमें चारों तरफ से चहुमुखी हमारा विकास करते हुए हमारे जीवन को सरल बनाएगा। योग वो विज्ञान है जो हमें स्वयं का ज्ञान करवाएगा। योग वो परंपरा है, वो संस्कृति है, वो सभ्यता है जो हमें अपने आप से जोड़ता है, हमारी जड़ों से जोड़ता है। जिस तरह से यदि एक पौधा, पेड़, यदि उसकी जड़ें मजबूत हो तो आंधी तूफान उसे हिला नहीं सकते, गिरा नहीं सकते, उसी तरह से योग के माध्यम से हम अपनी जड़ों को मजबूत करें तो जीवन के जो आंधी तूफान आएंगे, उतार चढ़ाव आएंगे, उस सब में हम समत्वम भाव रखते हुए, जैसा कि भगवद गीता कहती है, समत्वम योग उच्चते है, यानी हर परिस्थिति के अंदर समान रहना ही योग है। योग कर्मेशु कौशलम, हर आप जो भी कार्य करें पूरा 100% अपना दें, परफेक्शन इन एक्शन, एक्शन विद परफेक्शन, कर्मों में कुशलता लाएं। और कर्मों में कुशलता कब लाएंगे? जब हम शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से एक होकर किसी कार्य को फोकस्ड होकर हम करेंगे। तो वो कहाँ से आएगा हमारी व्यक्तित्व के अंदर? वो आएगा योग से। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के सुअवसर पर मैं आप सभी को यही संदेश देना चाहती हूँ कि योग को अपनी जरूरत नहीं बना के हम जीवन का, जीवन शैली का हिस्सा बनाएं। लाइफस्टाइल में योग को लेकर आए, जिस तरह से भोजन करना जरूरी है, योग करना जरूरी है और योग करके हम अपने आप से जुड़े, अपने पोटेंशियल को पहचाने, अपनी छुपी हुई प्रतिभाओं को पहचाने, उनको उजागर होने दे और वो आत्मविश्वास, आत्मबल, आत्म शक्ति हमारे अंदर लेके आए ताकि जीवन हमारा सरल हो जाए और सब तरफ एक सकारात्मक ऊर्जा हो, आनंद भाव हो, क्योंकि योग हमें सच्चिदानंद आनंद, हमेशा हमें आनंद की स्थिति में रखता है। और हम जानते हैं कि जो हमारा अन्नमय कोश है, हमारा प्राणमय कोश है, मनोमय कोश है, विज्ञानमय कोश है, इन सब पे कार्य करना पड़ेगा, तब जाके हम अपने आनंदमय कोश में हमेशा आनंदित रहेंगे। तो हमें इस बात को पता रखना है और योग हमें क्या शिक्षा देता है उसको बड़ी समझदारी से हमें सीख लेनी है, हमसे सीखना है और अच्छे समाज का, अच्छे राष्ट्र का और बहुत सकारात्मक ऊर्जा से भरे हुए विश्व का निर्माण करना है। आप सभी को पुनः ढेरों शुभकामनाएं योगाचार्य हेमलता शर्मा योगा से योगा सोसाइटी की तरफ से।